नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में तो दोस्तों अगर आप भी आई में अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे दोस्तों अगर आप आई में अकाउंट क्रिएट कर लोगे दोस्तों तो आप बस का टिकट ट्रेन का टिकट एरोप्लेन का टिकट आप घर बैठे अपने मोबाइल से बुक कर सकते हो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि आई में कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाली हैं इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखते रहना है बिना स्किप किए तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर आई आर सी टी सी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करने को बोलेगा बट आपके पास जब आपने यूजर यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो आपके पास यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा दोस्तों तो आपको क्या करना है रजिस्टर यूजर्स पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म देखने को मिलेगा आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ई मेल फिल करनी है जो भी आपकी ई मेल है फिर आपको यहाँ पर यूजर नेम फिल करना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पर यूजर नेम फिल करना है आपको मैं एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पर बता रही हूँ दोस्तों फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पासवर्ड डालना है पासवर्ड डालने के बाद आपको वही कन्फर्म पासवर्ड कर देना है दोस्तों कन्फर्म पासवर्ड पर यहाँ पर फिल कर देना है फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मिडिल नेम ऑप्शनल है आप भरना चाहो भर सकते हो वरना छोड़ सकते हो लेफ्ट नेम ऑप्शनल है आप यहाँ पर फिल करना चाहो कर सकती हो वरना इसे भी छोड़ सकती हो फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी डेट ऑफ़ बर्थ हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है फिर आपको यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है इंडिया यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों आपको बस यही ध्यान रखना है सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसी का सेम आंसर आपको यहाँ पर देना होगा तो जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसका आंसर आपको यहाँ पर फिल करना है और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को याद भी रखना है दोस्तों क्योंकि जब भी आप अपना यहाँ पर पासवर्ड या यूजर नेम को आप भूल जाओगे दोस्तों तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से इन्हें यहाँ से ये पासवर्ड का पता कर सकते हो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर ये दोनों ऑप्शनल हैं आप यहाँ से भरना चाहो वर सकते हो वरना इसने छोड़ सकते हो फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है जो भी आपका एड्रेस है दोस्तों एड्रेस फिल करने के बाद ये बॉक्स को आपको यहाँ से टिक कर देना है यहाँ पर ये यह दोनों ऑप्शन ऑप्शनल है आप यहाँ पर इन्हें फिल करना चाहो कर सकते हो वरना इन्हें छोड़ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी कंट्री हो फिर आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करना है पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है यहाँ से सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करनी है फिर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करने के बाद अब आप आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर आपको ओके okay पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ये यूजर नेम है यहाँ पर आपका यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों आपका यूजर नेम भी आपको दिखा रहा है पासवर्ड ये आपको फिर आपको यहाँ पर ओके okay पर क्लिक कर देना है जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर वैक होके आ जाएगा दोस्तों अब आपका जो भी यूजर नेम है आपको यहाँ पर फिल कर देना है यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पर कैपिटल स्मॉल जो भी आपका कैप्चा हो आपको यहाँ पर कैप्चा फ़िल करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपका मोबाइल नंबर और ई मेल आपको साथ ही साथ यहाँ पर सेंड ओ के दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको सेंड ओ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे आप सेंड ओ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर दो ओ टी जाएंगी एक ई मेल पर जाएगी और एक यहाँ पर मोबाइल नंबर पर तो आपको फर्स्ट नंबर पर मोबाइल नंबर वाली ओटीपी फिल करनी है और सेकंड नंबर पर ईमेल आईडी वाली ओटीपी

अकाउंट क्रिएट हो चुका है दोस्तों अब आप यहाँ पर यूजर नेम डाल के और यहाँ पर पासवर्ड डाल के आपको एक पिन बनानी है दोस्तों तो आपको हम वो पिन भी बता देते हैं जैसे ही आप यहाँ पर पिन बना लोगे दोस्तों तो उससे आपको एक फ़ायदा है जब भी आप अपने इस अकाउंट में लॉग इन होगी तो आपको वहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये कैप्चा दिया गया है हम उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देते हैं कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देती हैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अब आपको यहाँ पर एक पिन बनानी है जो भी आप पिन बनाओगे दोस्तों फिर आपको यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर इस अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन ओपन करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ करेगी दोस्तों आपको यहाँ पर चार का यहाँ पर कोई भी डिजिट लेके यहाँ पर अकाउंट की जो पिन सेट कर लेनी है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है ओके पर क्लिक करना है अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों तो इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है अब आप यहाँ से ट्रेन का फ्लाइट का बस का आप जिसका भी चाहो यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर आई आर सी टी सी में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें कमेंट करके बता देना तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में